हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बाबू आप सब एक बार बता दीजिए। और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। जैसे सभी बच्चे को पता है कि आज इंग्लिश का क्लास होने वाला है, तो इंग्लिश में यहाँ देखिए जो चैप्टर 3 है पिंच ऑफ स्नूप, इसका समरी पढ़ा चुके हैं। समरी जो बच्चा पढ़ा होगा 1 मिनट नहीं लगेगा उसको ऑब्जेक्टिव बनाने में पूरा, यानी पूरा ऑब्जेक्टिव आप उसके क्या होगा जबान पे याद होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप भी इसका समरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको भी दिक्कत ना हो यहाँ पे इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव याद करने में। नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इंग्लिश में बहुत सारी चीज डर लगता है, इंग्लिश याद नहीं होता है। बाबू 5 मिनट का हमारे पास समरी पढ़िए, इंग्लिश आपके दिमाग में होगा, बिल्कुल इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। तो सभी बच्चे एक बार बताइए कैसे हैं बाबू आप सब। आज का क्लास वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी छात्र छात्राएं एक बार बताइए कि आप लोग कैसे हैं, सभी की पढ़ाई लिखाई सब चीज़ बेहतर चल रही है कि नहीं चल रही है। और यहाँ पे एक बात आप लोग नोट कीजिएगा कि ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है और PDF भी डाल चुके हैं, तो आपको क्या करना है, क्लास जस्ट खत्म करके जाना है वेबसाइट पर, ऑनलाइन टेस्ट देना है, फिर आपको PDF डाउनलोड करना है। ये इतना काम आप लोग जरूर कीजिएगा। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं आज का जो प्रोसेस है वो। सभी बच्चे एक बार यस बोल दीजिए, यस सर जी, क्लास को स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ आप देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए होने वाला है, 12th के लिए, जैसे हम आपको सभी को पता है बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए होने वाला है। और यहाँ आप देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, जो बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। लेकिन बाबू हिंदी कितना मज़ा आता है पढ़ने में, उतना ही मज़ा आपको इंग्लिश भी आएगा। एक बार आप लोग ये क्लास हमसे करके देखिए, एक बार पूरा वीडियो देख के देखिए। यहाँ देखिए आज हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 3 क्या है, ए पिंच ऑफ स्नूप, जिसमें से हम लोग कर चुके हैं इसका समरी, लेकिन अभी 5 मिनट में इसका समरी बता देंगे पूरा, उसके बाद से ऑब्जेक्टिव इसका किया जाएगा। तो यहाँ आप देखिए समरी 5 मिनट में आपको बता देंगे, उसके बाद से इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आप लोग बाबू रेडी रहिएगा, अगर आप लोग कर लीजिएगा गारंटी मानिएगा, एक भी प्रश्न आपको याद नहीं करना पड़ेगा, 100% गारंटी है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है बाबू, सबसे पहला जो काम करना है कि अगर आप लोग कमजोर विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, बिल्कुल 100% समझ में आपको जरूर आएगा। तो बाबू आपको क्या करना है, जरूर देखना है। चलिए और यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव में 100% आती हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए बाबू, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन होता है उसको दबा के आप लोग वॉल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और लाइक क्यों कम है बाबू, फटाफट सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं, 9135742024, आप इसमें मैसेज कीजिए और बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो कुछ ही आप देखिए समरी इसका स्पेशल बना चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखिए 5 मिनट का फिर से समरी पढ़ लीजिएगा, जिसका छूटा होगा उसका तो हो जाएगा, और जिसका हो भी गया है फटाफट अंदाज में एक रिवीजन हो जाएगा कि फिर दोबारा होगा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए कुछ बेसिक सी बातें जो आपको बतानी जरूरी है, ये एग्जाम में आता है। देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, पिंच ऑफ स्नूप, यहाँ पे क्या है ए पिंच ऑफ स्नूप, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट, इसके लेखक हो जाएंगे बाबू, राइटर यानी लेखक हो जाएंगे मनोहर मालगुनाकर, ए पिंच ऑफ स्नूप के लेखक मनोहर मालगुनाकर, जिनका जन्म जो हुआ था 12 जुलाई 1913 को हुआ था, याद रखिएगा उनका जन्म कब हुआ था, 12 जुलाई 1913 को, इनकी मृत्यु कब हुई थी तो 14 जून 2010 को, इनकी मृत्यु कब हुई थी तो 14 जून 2010 को, ये आपको याद रखना है, 100% यहाँ पे आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए फटाफट यहाँ पे हम इसका समरी समझ लेते हैं, 100% आपको समझ में आएगा, अगर आपका छूट गया है तो फिर से देख लीजिए, और जो भी बच्चे का यहाँ पे देख लीजिए रिवीजन हो रहा है वो खास करके ध्यान देंगे। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ए पिंच ऑफ स्नूप हैज बीन रिटन बाय, यहाँ पे देखिए मनोहर मालगुनाकर, यानी ए पिंच ऑफ स्नूप के लेखक कौन है, मनोहर मालगुनाकर है, ही वाज बोर्न इन इंडिया, उनके इंडिया, उनका जन्म जो हुआ था इंडिया के बॉम्बे में 1913 को हुआ था। बाबू यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो उनका जन्म हुआ था भारत के बॉम्बे शहर में 1913 को हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। ही इज, यहाँ पे देखिए वेल नोन, यहाँ आप देखें नॉन, यहाँ पे क्या लिखा है, ही इज वेल नॉन, यानी आप देखें नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट राइटर। यहाँ पे एक बात आपको कंफर्म हो गई कि ये जो कहानी है और जो यहाँ पे देख लीजिए जो मनोहर मालगुनाकर है शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं बाबू क्या। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ही इज वेल नोन, यहाँ आप देखें नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट राइटर, यानी कहने का मतलब ये है कि वह एक क्या थे बाबू, जाने माने क्या थे, उपन्यासकार, और क्या थे बाबू, कहानीकार थे, वो एक जाने माने, यानी आप देखें वेल
नोन नोवेलिस्ट यानी उपन्यासकार, शॉर्ट यहाँ पे देखिए स्टोरी यानी कहानी का रखते कौन, तो बाबू याद रखिएगा कौन, तो यहाँ पे आप लोग हमेशा याद रखिएगा मनोहर मालगुनाकर। अब यहाँ पे देख लीजिए अगला स्टेप क्या है, ही वाज ए यहाँ देखिए ग्रेट राइटर, वो एक महान लेखक थे। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ यहाँ देखिए वाइट एंड यहाँ देखिए एडवेंचर, यानी कहने का मतलब है कि यह जो कहानी है देखिए यह जो कहानी है बुद्धि और जोखिम से भरा हुआ है, एक ये हेरुलस कहानी है, हास्य पद की कहानी है, ये यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा। इसका डिटेल में समरी पढ़ना है तो आपको जरूर पढ़ा देंगे बाबू, वीडियो डाल दिए हैं आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में, इस कहानी में यहाँ देखिए द ऑथर सो द वाइट ऑफ नानू काका, यानी इस कहानी में जो ऑथर, ऑथर का मतलब क्या होता है, जो लेखक होता है, नानू काका के बाबू क्या बुद्धि को दिखलाया है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द ऑथर यानी जो लेखक है, सो मतलब दिखाना, वाइट मतलब बुद्धि, विट मतलब क्या होता है बुद्धि ऑफ नानू काका, यानी आप देखिए इस कहानी में जो लेखक है नानू काका की बुद्धि का वर्णन किया है, बुद्धि को दिखाया है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये आपको समझ में आ गया। वन डे यहाँ पे क्या लिखा है बाबू, वन डे एक दिन नानू काका कमिंग टू यहाँ आप देखिए ऑथर्स हाउस टू मीट यहाँ आप देखिए द वेलफेयर मिनिस्टर इन दिल्ली फॉर 2 से 3 डेज, यानी कहने का मतलब है एक दिन नानू काका लेखक के द्वारा दिल्ली में 2 से 3 दिन के लिए किससे मिलने जाते हैं, तो लोक कल्याण मंत्री से मिलने जाते हैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है वन डे एक दिन नानू काका कम टू द ऑथर्स, ऑथर्स का मतलब क्या होता है लेखक के साथ यहाँ देखिए हाउस आते हैं और मीट करने जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर से इन दिल्ली में, कितना दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, नानू काका जी आप देखिए मैटरनिक अंकल ऑफ में आप देखिए मनोहर मालगुनाकर, और ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि नानू काका यहाँ पे जो कौन है मनोहर मालगुनाकर थे उसके क्या थे, तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कि जो नानू काका थे, नानू काका जो मैटरनिक आप देखिए मैटरनिक अंकल, यानी कहने का मतलब है कि नानू काका क्या थे बाबू, किसके, तो मनोहर मालगुनाकर के मैटरनिक अंकल यानी मामा जी थे। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो नानू काका थे मैटरनिक अंकल थे किसके, मनोहर मालगुनाकर यानी मैटरनिक अंकल मतलब मामा जी थे किसके, नानू काका मामा जी किसके थे, तो मनोहर मालगुनाकर के मामा थे कौन, नानू काका, वो क्या थे बहुत ही विट मतलब बुद्धिमान थे। और यहाँ आप देखिए ही इज है यहाँ आप देखिए वेरी वाइस, वाइस का मतलब क्या होता है सभी को पता है, बुद्धिमान और इंटेलिजेंट यानी तेज व्यक्ति थे। पर्सन मतलब क्या होता है व्यक्ति, यानी कहने का मतलब ही इज ए वेरी वाइस बुद्धिमान और यहाँ देखिए तेज आदमी थे कौन, तो नानू काका। ये समरी है बाबू, 5 नंबर में ये भी पूछा जाता है, जरूर इसको याद कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं आप लोग, इसको फटाफट कर लीजिए उसके बाद से इसका ऑब्जेक्टिव भी करा जाएगा, बिल्कुल ये कर लेते हैं उसके बाद से ऑब्जेक्टिव में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा बनाने में। अब यहाँ पे लिखा है नानू काका एंड यहाँ देखिए द ऑथर स्टार्ट ट्राइंग टू मीट द यहाँ देखिए वेलफेयर मिनिस्टर बट दे कुड नॉट मीट, यानी कहने का मतलब है कि नानू काका और ऑथर्स का मतलब क्या बताए हैं लेखक, कल्याण मंत्री से मिलने की कोशिश करने लगे बाबू। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, लिखा है कि नानू काका एंड ऑथर्स यानी लेखक स्टार्ट ट्राइंग टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बट लेकिन दे कुड नॉट मीट, यानी जो नानू काका थे और लेखक थे वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करने लगे यानी उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे क्या थे बट मतलब लेकिन दे कुड नॉट मीट, लेकिन वे लोग नहीं मिल पाए, लेकिन बाबू वे लोग नहीं मिल पाए। यहाँ आप देखिए वन डे दे एक्सीडेंटली मीट यहाँ आप देखिए सुहाना रतिनम, यानी एक दिन अचानक क्या हुआ, एक दिन एक्सीडेंटली मतलब क्या, एक दिन अचानक क्या हुआ उनकी मुलाकात हो गई किससे, सोहन लाल रतनम से, किसकी, तो यहाँ देखिए नानू काका की। यहाँ देखिए दे एक्सीडेंटली मीट सोहन लाल रतनम, यानी एक दिन अचानक उनकी मुलाकात सोहन लाल रतनम से हो जाए, हु इज द यहाँ देखिए सोन ऑफ रतनम, जो यहाँ देखिए रतनम का लड़का था कौन, सोहन लाल रतनम। यहाँ पे देखिए एक दिन अचानक बाबू किससे मीट हो गई थी, तो यहाँ पे देख लीजिए एक दिन अचानक मीट हो गई थी किससे, मुलाकात हो गई थी सोहन लाल रतनम से, जो किसका पुत्र था, जो रतनम का पुत्र था, किसका पुत्र था बाबू, जो रतिरम का पुत्र था, ये आप लोग याद रखिएगा। रतिरम कॉल्स देम टू हिज ऑफिस, यानी रतिरम क्या करता है अपने ऑफिस में इन दोनों को बुलाता है, नानू काका को और किसको बाबू, लेखक को, ऑथर्स को। तो यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि रतिरम कॉल्स देम टू हिज ऑफिस, यानी रतिरम जो है, जो सोहन लाल रतिरम का पापा है, वो बुलाता है किसको, नानू काका को, और यहाँ देखिए ऑथर्स को यानी लेखक को अपने ऑफिस में मिलाता है मिलने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला जो स्टेप है, अगला स्टेप में क्या कह रहा है,
नाकू काका, यहाँ आप देखिए जब जाते हैं उसके बाद से कभी भी कोशिश करते हैं नानू काका मिलने के लिए, और इस चैप्टर में, इस कहानी में बाबू नानी का नानू काका के चलाकियों के बारे में बताया गया है। उनके दिमाग के कि बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत तेज थे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत यहाँ आप देखिए तेज व्यक्ति थे। तो यहाँ देखिए नानू काका मेड ए प्लान टू मीट द मिनिस्टर, यानी नानू काका एक प्लान बनाते हैं किससे, मिनिस्टर से मिलने के लिए। कौन मिनिस्टर? तो वेलफेयर मिनिस्टर, यहाँ पे कल्याण मंत्री से। कौन बाबू? कल्याण मंत्री से मिलने के लिए क्या करते हैं बाबू, एक प्लेन बनाते हैं, वो हायर्ड करते हैं। ही हायर्ड ए रॉयल कार, यानी वो भाड़े पे एक रॉयल कार यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, हायर करते हैं यानी बुलाते हैं। कौन सा? तो यहाँ पे देख लीजिए कौन, तो भाड़े पे क्या करते हैं, राजा महाराजाओं वाला गाड़ी क्या करते हैं, हायर करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ही हायर्ड ए रॉयल कार एंड यहाँ देखिए मेट द, यहाँ देखिए एंड मैड मतलब क्या, बनाना राइटर ए ड्राइवर, यानी यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, एक भाड़े पे यहाँ पे क्या करते हैं, रॉयल कार ले लेते हैं। उसके बाद से जो राइटर यानी जो ऑथर से लेखक, उनको क्या करते हैं बाबू, ये बना देते हैं ड्राइवर। कौन? नानू काका। देख लीजिए अपने बैठ जाते हैं और अपने भगिना को क्या बोलते हैं कि तुम ड्राइवर बनो, और यहाँ पे एक भाड़े का गाड़ी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर से पढ़ते हैं, ही हायर्ड ए रॉयल कार एंड मेड द राइटर ए ड्राइवर एंड यहाँ पे देखिए वेंट टू मीट द मिनिस्टर, यानी यहाँ पे देखिए वो क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि एक भाड़े पे रॉयल कार लिया जाए और यहाँ पे जो ऑथर से उसको ड्राइवर बना के तब हाई फाई बन के जाया जाए यहाँ पे, किससे मिलने के लिए, तो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा करेंगे तो उनको, मंत्री जी को लगेगा, मिनिस्टर को लगेगा भाई कोई बड़ा आदमी आया है, उससे मिलना जरूरी है। इसलिए क्या करते हैं नानू काका यहाँ पे क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है वेन नानू काका, यहाँ पे देखिए रिच द मिनिस्टर हाउस, यानी लिखा है कि जब नानू काका मिनिस्टर के घर पहुंचे, जब यहाँ आप देखिए जब रॉयल कार और ले होके जब नानू काका क्या किया, मिनिस्टर के घर पहुंचे, द मिनिस्टर वाज नॉट, यहाँ आप देखिए देयर, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, द मिनिस्टर वाज नॉट देयर, यहाँ लेकिन कहने का मतलब है कि जो मिनिस्टर था वो वहाँ पे उपस्थित नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ था, वो मिल लिया था। समरी समरी की तरह होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। यहाँ पे ज्यादा बड़ा कीजिएगा तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, इतना याद नहीं होगा। इतना लिख दीजिएगा पूरा सटीक है बाबू, पूरा आंसर याद हो जाएगा, इससे सारा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए नानू काका मीट द वेलफेयर मिनिस्टर, नानू काका क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नानू काका एक ना एक दिन क्या करते हैं, मिल लेते हैं किससे, वेलफेयर मिनिस्टर से। यहाँ पे कल्याण जो मंत्री होता है उसे क्या करते हैं, नानू काका की मुलाकात आखिरकार हो ही जाती है। बहुत ज्यादा बाबू क्या करते हैं, बहुत ज्यादा तेज होते हैं, इसलिए क्या करते हैं वो आखिरकार क्या करते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर से मिल लेते हैं। नानू काका लेफ्ट द, यहाँ देखिए फॉलोइंग डेज थस नानू काका मिशन इज कम्प्लीट, यानी कहने का मतलब दे अगले दिन वो क्या करते हैं, निकल जाते हैं। अगले दिन नानू काका क्या करते हैं, निकल जाते हैं, और यहाँ देखिए इस प्रकार नानू काका मिशन को पूरा करते हैं। जो यहाँ पे समरी होता है बाबू, पहाड़ की तरह भारी नहीं होता है, समरी समरी की तरह होता है। जैसे चार लाइन का समरी, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पूरा जानकारी होगा, और जो बच्चे नहीं पढ़े तो ये तो आप लोग समरी पढ़ लिए। अब देखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव बनाने में कितना ज़्यादा मजा आएगा, पूरा 100% आपको समझ में आएगा, पूरा ए टू जेड, एक भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चे आप लोग रेडी हैं, एक बार बताइए तो ऑब्जेक्टिव करने के लिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए आप लोग रेडी हैं। चलिए सभी बच्चे बता रहे हैं रेडी रेडी। चलिए यहाँ आप देखिए पहला जो क्वेश्चन है बाबू, पहला का आंसर दीजिए तो सभी बच्चे, एकदम आसान है। पहला का आंसर दीजिए कि ए पिंच ऑफ, यहाँ आप देखिए स्नूप इज ए, यानी हम आपको शुरू में क्या बतलाए थे, देखिए कि ये क्या है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, हम आपको क्या बतलाए थे बाबू, तो इसका जवाब क्या दीजिएगा कि ये पिंच ऑफ स्नूप इज। तो अगर आपसे कभी भी पूछेगा कि ये पिंच ऑफ स्नूप इज क्या, तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्या है, तो ये शॉर्ट स्टोरी है। जैसे हम लोग समरी में पढ़े, बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, सी ऑप्शन 100% राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बाबू? यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा कि पिंच ऑफ स्नोपिच क्या है, ए शॉर्ट स्टोरी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन, यहाँ पे ये भी प्रश्न, अगर समरी पढ़े हैं, समरी अभी क्लास किए हैं, तो आपको जवाब देने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा। पूछा गया है कि नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन, तो सभी को पता है नानू काका क्या थे बाबू, बहुत ही क्लेवर थे, बहुत चालाक थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नानू काका वाज ए वेरी क्लेवर, यानी बहुत चालाक थे नानू काका बाबू, बहुत चालाक आदमी थे। और यहाँ आप देखिए जो ऑथर्स हैं, जो लेखक हैं, वो नानू काका के विट के बारे में यानी बुद्धि के बारे में बाबू बतलाया है, यानी चालाक हैं, यही सब उनके बारे में इस चैप्टर में बात कही गई है। अब देखिए यहाँ पे तीन नंबर,
तीन नंबर प्रश्न है कि डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ यहाँ देखिए स्टोरी पिंच ऑफ स्नूप, यानी इस कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है, द पिंच ऑफ स्नूप के मेन कैरेक्टर में कौन आते हैं। मनोहर मालगुनाकर आते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए सोहनलाल रत्नम आता है कि यहाँ देखिए नानू काका आते हैं। तो इस चैप्टर में बाबू ना सोहनलाल रत्नम का ज्यादा वर्णन है, ये जो चैप्टर है वो टीका ही है किस पे, नानू काका पे। तो मेन कैरेक्टर कौन होगा, जैसे फिल्म विलिम होता है उसमें एक हीरो होता है और एक क्या होती है बाबू, हीरोइन होती है, गुंडा फुंडा होता है, लेकिन मेन कैरेक्टर किसका होता है, हीरो का होता है। तो इस स्टोरी के हीरो कौन है, नानू काका है। इन्हीं के बुद्धि के बारे में ये कहानी है, इन्हीं के बुद्धि के बारे में ये कहानी है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, नानू काका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली, यानी कहने का मतलब है कौन विजिट आते हैं नरेटर फैमिली के पास। तो यहाँ पे सभी बच्चे को पता है कि जो यहाँ पे नानू काका है वो आते हैं किसके पास, तो नरेटर फैमिली के पास। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बाबू एक भी प्रश्न आपको याद नहीं करना पड़ेगा, एक भी प्रश्न याद नहीं करना पड़ेगा, 100% आपको समझ में आता होगा। तो ये आप लोग समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि डैश इज द, यहाँ देखिए हॉर्मुलस स्टोरी। तो जैसे हम लोग क्या बताते कौन एक हासी स्टोरी है, कौन एक बाबू यहाँ पे देखिए हासी स्टोरी है, शुरू में ही हम लोग पढ़े थे। तो आप सभी को पता है कि पिंच ऑफ स्नूप पिच क्या है बाबू, होमोरस स्टोरी है, यानी एक हासी है। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिए रत्नम वाज द सन ऑफ, और ये भी समरी में था, यानी 5 मिनट का समरी में पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर, देख लीजिए कितना बढ़िया है। यहाँ पे लिखा है कि रत्नम वाज द सन ऑफ, तो रत्नम वाज द सन ऑफ जो रत्नम था बाबू वो किसका पुत्र था, तो यहाँ पे याद रखिएगा रत्नम का पुत्र कौन था, द रत्नम वाज द सन ऑफ, तो यहाँ पे देखिए सोहनलाल रत्नम बाबू क्या हो जाएगा, सोहनलाल रत्नम हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया, एकदम एक भी प्रश्न आपको बनाना नहीं पड़ेगा बाबू। लाइक कम है, इतना बढ़िया क्लास हो रहा है, लाइक काहे नहीं किए हैं, फटाफट लाइक कीजिए सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कीजिए। ऑनलाइन टेस्ट आपको दे के जाना है, क्लास कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, पीडीएफ लीजिए, उसके बाद जाइए, आए हैं तो कुछ लेके जाइए। यहाँ आप देखिए अगला है कि द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज। अब यहाँ आप देखिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न आ गया आपके सामने कि वो सेकेंड पर्सन दूसरा आदमी कौन है इतना महत्वपूर्ण जिससे नानू काका मिलने के लिए बेचैन थे। तो ये आपको सभी को पता है कि जो वेलफेयर मिनिस्टर थे बाबू, कल्याण जो मंत्री थे, उनसे मिलने के लिए नानू काका क्या थे, बहुत ज़्यादा बेचैन थे। उनके मिलने के लिए प्लान बनाते हैं, रॉयल कार मंगाते हैं, जो लेखक होता है उसको क्या करते हैं, उसको ड्राइवर बना के मिलने के लिए जाते हैं। तो सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन कौन हो जाएगा, तो सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका प्लान टू मीट बाबू कौन, द वेलफेयर मिनिस्टर, कौन बाबू, द वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री से मिलने के लिए जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि नानू काका wrote a, यहाँ देखिए चेक फॉर ए डैश रुपीस, यानी यहाँ देखिए नानू काका कितने रुपए के चेक लिखते हैं बाबू। तो ये आपको सभी को पता है कि जो नानू काका है 1000 यानी 1000 का चेक लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनोहर मालगुनाकर हैज रिटन द लेसन, जल्दी जल्दी यहाँ पे 9 का सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए 100% बाबू। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको याद करना पड़ेगा, अगर समरी अभी आप पढ़े हैं तो एक भी प्रश्न आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग एक बार सही से बता दीजिए कि आपको याद करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हमको तो लग रहा है बाबू बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, पांचवा छठा का बच्चा भी पढ़ लेगा इंग्लिश ये, तो आप उसको भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो आप तो बच्चे हैं, यहाँ पे आप तो बड़े हो गए। यहाँ आप देखिए मनोहर मालगुनाकर हैज रिटन द लेसन, तो मनोहर मालगुनाकर के द्वारा कौन लिखा गया, आई हैव ड्रीम तो नहीं लिखा गया, भारत इज माई होम नहीं लिखा गया, द अर्थ नहीं यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, ए पिंच ऑफ स्नूप किसके द्वारा लिखा गया है, तो मनोहर मालगुनाकर के द्वारा। और मनोहर मालगुनाकर कौन थे, तो नानू काका के भांजे थे, भगिने थे, सॉरी क्या थे, भगिने थे, यानी जो नानू काका थे क्या थे, मैटरनिक अंकल थे किसके, तो मनोहर मालगुनाकर के, यानी यहाँ पे देखिए मनोहर मालगुनाकर के मामा थे कौन, तो नानू काका। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की, नानू काका वाजे ऑथर्स, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो नानू काका थे वो ऑथर्स के क्या थे। यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पे देखिए सभी समरी का ही क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए जो हम आपको 4-5 लाइन का, मान लीजिए 5-10 लाइन का जो समरी बताया ना, उसी में से ऑल ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा।
और ज़्यादा समरी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इसी में से सब क्लियर हो जाएगा, 100% गारंटी है। नानू काका वाजे ऑथर्स, तो जैसे हम आपको बताए थे कि नानू काका क्या थे बाबू ऑथर्स के, तो मामा थे, मैटरनिक अंकल थे। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, मैटरनिक अंकल सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा 100%। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली और फिर क्या करते हैं दिल्ली जाके, ये बताइए। नानू काका कमिंग फ्रॉम, यहाँ आप देखिए दिल्ली, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली सी सम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टरों को देखते हैं बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी सम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टरों को देखते हैं, यहाँ आप देखिए बी ऑप्शन इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, बिल्कुल याद रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ पे 100% राइट आंसर होने वाला है। और ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है। अब बताइए कि द ऑथर्स हैज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, 100% पूछे जाने वाला प्रश्न है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी बाबू जवाब दीजिए, और आप लोग मॉर्निंग में 5 बजे एकदम लाइव आ जाइए। यहाँ पे देखिए कि द ऑथर्स हैज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट, तो क्या हो जाएगा बाबू मिनिस्टर, द ऑथर्स हैज कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नानू काका ट्रेवल्स इन, अब यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, नानू काका ट्रेवल्स इन, तो बहुत सारे बच्चे मान देते हैं थर्ड क्लास ए सी, जे कि क्या हो जाता है बिल्कुल गलत हो जाता है। पूछिए कैसे, पूछिए बाबू कैसे यहाँ पे कि नानू काका ट्रेवल सिंह, तो बहुत सारे बच्चे अभी भी जवाब दे रहे हैं कि द थर्ड क्लास, तो द थर्ड क्लास नहीं होगा, नानू काका वाज ट्रेवल सिंह बाबू यहाँ देखिए सेकंड क्लास, थर्ड क्लास का टिकट लिए थे लेकिन गए किस में थे बाबू, सेकंड क्लास में सफर कर रहे थे। ये आप लोग याद रखिएगा कि जो सफर कर रहे थे, ट्रेवलिंग कर रहे थे, किस क्लास में कर रहे थे, तो सेकंड क्लास में, टिकट किस क्लास का लिया था, तो वो थर्ड क्लास का टिकट लिए थे, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए नानू काका वाजे स्टे फ्रॉम, यहाँ पे देखिए नानू काका वाज कितना दिन ठहरे थे, तो 2 से 3 दिन ठहरे थे, तो यहाँ पे क्या 2 से 3 डेज, यहाँ पे देखिए नानू काका स्टे फ्रॉम यानी 2 से 3 दिन ठहरे थे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल आपको आराम से आता होगा, बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे नानू काका वाजे भैरी, तो सभी को पता है भैरी विट क्लेवर, विट नहीं दिया है तो क्लेवर दिया है, यहाँ पे क्या होगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि नानू काका यहाँ आप देखिए मैनेज टू क्लेवर इन, यहाँ देखिए सेकेंड क्लास ऑन, यहाँ देखिए ए टिकेट ऑफ, अब यहाँ पे बताइए कि नानू काका कैसे मैनेज करते हैं सेकंड क्लास में, जबकि टिकट किस क्लास का था, यानी कहने का मतलब है कि नानू काका कैसे मैनेज करते थे सेकंड क्लास में, कैसे मैनेज किए जबकि यहाँ आप देखें जो टिकट था वो किस क्लास का था, तो हम आपको क्या बताएं कि जो थर्ड क्लास का टिकट लिए थे लेकिन यहाँ पे सफ़र किस क्लास में कर रहे थे, तो सेकंड क्लास में कर रहे थे, सेकंड एसी में सफ़र कर रहे थे, कौन नानू काका, आपको पता ही है नानू काका कितना चलाक थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है नानू काका यहाँ आप देखिए मीटिंग विथ, यहाँ आप देखिए सोहन लाल, अब यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि नानू काका यहाँ आप देखिए मीटिंग विथ सोहन लाल रतनम वाज ए, अब यहाँ पे देखिए जो नानू काका का मीटिंग हुआ था सोहन लाल रतनम में, तो यहाँ पे देखिए जो सोहन लाल रतनम था इनको क्या किया था, अपने ऑफिस में बुलाया था मीटिंग करने के लिए। आप लोग जानते हैं जो समरी था उसमें बताया गया है, हम आपको भी बताए हैं कि जो सोहन लाल रतनम था वो क्या किया था, अपने ऑफिस में बुलाया था, कमिंग टू ऑफिस यहाँ पे मिलने के लिए, किसके लिए मीटिंग के लिए, तो वो क्या हो गया नानू काका वाज मीटिंग यहाँ देखिए विथ यहाँ देखिए सोहन लाल रतनम वाज वेरी सक्सेसफुली, क्या हुआ वेरी सक्सेसफुल हो गया उनका मीटिंग, तो यहाँ पे क्या होगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर चैप्टर से यहाँ पे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव आएगा तो 100% इसी ऑब्जेक्टिव में से आएगा, एक भी बाहर से नहीं आएगा, लिख के देते हैं आपको, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो बाबू लाइक बहुत कम है, जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करके जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए। तो बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, यहाँ पे नंबर दे देते हैं 9135 74 2024, इस पर जुड़ जाइएगा। उसके बाद से एक काम करना है आपको, क्या करना है जाके ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, गूगल खोलिए और लिखिए उसमें आस्क बी ओ ए आर डी, आस्क बोर्ड लिख के सर्च कीजिए, जैसे सर्च कीजिएगा आस्क बोर्ड लिखा आएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग हमारे वेबसाइट पे जाके जल्दी से जल्दी ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और PDF और नोट्स डाउनलोड कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाबू, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।